दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग व्हाट्सएप को इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे। वहां पर आप सभी ने एक ये देखा होगा कि ये एक टाइमर टाइप का बटन दिखाई देता है किसी के वॉलपेपर के ऊपर। यहाँ पे इन लोगों में नहीं दिख रहा होगा, आप सभी देख सकते हैं इनमें नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आप सभी को दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे सेटिंग्स कर सकते हैं, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। ये डिफॉल्ट मैसेज टाइमर होता है, इसका मतलब ये होता है ऑटोमेटिक ये मैसेज जो है उतने समय के बाद डिलीट हो जाएगा। अगर आप भी ऐसी कुछ सेटिंग्स अपने मोबाइल में करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आप सभी को यहाँ पे जाना है, थ्री डॉट पे सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पे आप सभी को प्राइवेसी पे जाना है। प्राइवेसी पे जाने के बाद आप सभी को स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे डिफॉल्ट मैसेज टाइमर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप सभी को इस पर क्लिक करना है। आप वो मैसेज टाइमर कितनी देर के लिए, अगर 24 घंटे के लिए लगाना चाहते हैं 24 घंटे के लिए लगा सकते हैं और यहाँ पे बैक करेंगे और ये देखिए जो 24 घंटे के लिए लग गया। तो अब आपके मैसेज जो है किसी को भी भेजेंगे वो 24 घंटे बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे और आपके जो प्रोफाइल डीपी दिखाई देगी सामने वाले को इस तरीके से उसमें सेटिंग्स दिखाई देने लगेगी इस तरीके से। अब इस प्रकार आप बहुत ही आसानी के साथ इस सेटिंग्स के जरिए किसी को भी मैसेज भेजेंगे तो वो 24 घंटे बाद अपने आप डिलीट हो जाता है मैसेज। तो इस प्रकार बहुत से लोग इस सेटिंग्स का यूज करके कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। अगर आपको ये कार्य करना है तो आप इस सेटिंग्स का यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये आप हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए आप सभी को नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।